हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपको पसंद है कबूल कीजिए, चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। सो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर वाई आर एस चैनल। एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे देश के 7 ऐसे शहर जहां पर ग्रीनरी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पे है आपका देहरादून सिटी, जो कि उत्तराखंड स्टेट की राजधानी है और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है, तथा हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण साल भर यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सुहावना रहता है। एंड ये शहर अपने पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। वहीं नंबर 6 पे है आपका गुवाहाटी सिटी। ये असम राज्य का सबसे बड़ा नगर होने के साथ ही पूरे पूर्वोत्तर भारत का एक मुख्य शहर भी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिलोंग स्टोन के बीच स्थित है, जिस वजह से ये शहर प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। नंबर 5, भोपाल सिटी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी, तथा इस शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई छोटे बड़े तालाब हैं जो कि इस शहर के पर्यटन का एक मुख्य केंद्र भी माने जाते हैं। नंबर 4, मैसूरू सिटी, कर्नाटका। यह चामुंडी हिल्स के आधार पर स्थित भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में से एक है, जो कि पैलेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड वहीं इस शहर का 38% एरिया ग्रीनरी से कवर्ड है। वहीं नंबर 3 पे आपका चंडीगढ़ सिटी। ये हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर के रूप में भी जाना जाता है। एंड इस शहर की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। नंबर 2, तिरुवनंतपुरम, केरला। इसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केरल राज्य की राजधानी होने के साथ ही दक्षिण भारत के सबसे तेजी से उभरते शहरों में से एक है, तथा ये शहर 7 तटीय पहाड़ियों पर स्थित है, जिस कारण यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। नंबर 1, गांधीनगर सिटी, गुजरात। ये गुजरात राज्य की राजधानी है, जो कि अहमदाबाद से उत्तर में साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड इस शहर को हरित नगर यानी कि ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। एंड यहाँ की सड़कों पे आपको इंडिया के बाकी शहरों की तुलना में कहीं अधिक ग्रीनरी देखने को मिलेंगी। भारत के 7 सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब शहरों के बारे में बताया जा रहा था।
और उसमें पहला नंबर लिया जा रहा था उत्तराखंड के शहर का नाम मुझे अच्छा खासा मुश्किल लगता है नाम मुझे भूल गया। और ये वही शहर है जहाँ पर कुछ दिन पहले दिल्ली से एक वंदे भारत भी चलाई गई थी। उत्तराखंड वैसे भी फूलों की नगरी कहलाता है और ये देवताओं की सरजमीन भी कहलाता है और ये पूरे स्टेट ही बहुत ही खूबसूरत इलाका बन के सामने आती है सियाहों के लिए भी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी का नाम लिया जा रहा था और मैं हैरान हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 रियासतों में सिर्फ एक रियासत असम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी का बताया जा रहा था। हालांकि मेघालय जैसी रियासतें भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर तो हर शहर ही बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ शादाब देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के ग्रीन शहरों में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से एक ही शहर शामिल किया गया है यानी कि गुवाहाटी से। मध्य प्रदेश के एक बेहतरीन शहर भोपाल सिटी की बात की जा रही थी जो बहुत ही ज़बरदस्त शहर है और एक ग्रीन सिटी के तौर पर मौजूद है। और उसके बाद कर्नाटक के शहर मैसूर की बात की जा रही थी और मैसूर एक सरसब्ज़ शादाब शहर बताया जा रहा था और मैसूर में ही मौजूद मैसूर पैलेस भारत का सबसे बड़ा पैलेस भी है जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमारत है। उसके बाद फिर केरल का एक शहर बताया जा रहा था, उसका नाम भी मेरे जेहन से निकल गया और वो भी बहुत ही ग्रीन सिटी बताया जा रहा था। फिर भारत की एक यूटी चंडीगढ़ भी बताई जा रही थी, लेकिन जो पहले नंबर पर बताया जा रहा था वो गुजरात का स्टेट कैपिटल गांधीनगर। पिछले दिनों ही गांधीनगर देखा था, पता चला कि ये सिर्फ 3-3.5 लाख की आबादी वाला शहर है जो अहमदाबाद से जब गांधीनगर को दारुल हुकूमत बनाया गया था तो उस वक्त इस शहर को तरतीब दिया गया था और इसका नक्शा भी उसी नक्शानवीस ने बनाया था जिन्होंने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था। तो वो उन्होंने ग्रीनरी को अच्छी खासी जगह दी है और भारत का सबसे ग्रीन शहर गांधीनगर बन के ही सामने आता है। इसके साथ साथ ये बहुत साफ़ सुथरा शहर भी है और ये भारत की एक इमर्जिंग स्टेट का स्टेट कैपिटल भी है। तो 7 के 7 शहर ही बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर से कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई एक शहरों के होने का मुझे अंदाज़ा था। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का एक भी शहर शामिल नहीं था। पुणे में भी अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिलती है, मुंबई के आसपास भी, फिर इसी तरह गोवा भी स्टेट का भी कोई शहर नहीं था। लेकिन जो 7, इसलिए वीडियो के आखिर में वीडियो और यही कह रहे थे कि ग्रीन शहरों की लिस्ट और भी ज़्यादा है, अगर आपकी पसंद का कोई शहर इसमें शामिल नहीं हो सका तो उसके लिए माजरत खाएं। बाकी जो 7 के 7 शहर थे ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके कितने का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्दी और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।